अब बात करते हैं दिल्ली में चल रहे बुक फेयर की। मानव तस्करी देश के आदिवासी समुदाय को किस तरह खोखला कर रही है, इसी को उजागर करती किताब का विमोचन दिल्ली में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में किया गया। मानव तस्करी की जड़ें हमारे समाज में कितनी गहराई तक अपनी पकड़ बना चुकी है, ये किसी से छुपा नहीं है। बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसने वाला आदिवासी समुदाय भी इन तस्करों के निशाने पर है। कैसे रची जा रही है आदिवासियों को उनकी जमीन से उजाड़ने की साजिश, कैसे इंसानों की मंडी में हो रहा है उनका सौदा, ऐसे ही पहलुओं को उजागर करती है लेखिका गीता श्री की ये किताब। पूरे देश में आप देख रहे हैं जमीन के लिए कैसे उनको खदेड़ा जा रहा है और उनके खिलाफ षड्यंत्र है। तो मैंने उनके सामाजिक कारणों की भी पड़ताल की है, आर्थिक कारणों की भी पड़ताल की है और कानून में जो झोल है जिसकी वजह से ट्रैफिकिंग लगातार जारी है उसको भी कानूनी अवेयरनेस में भी बात की है। समाज की मुख्य धारा से अलग थलग पड़े आदिवासी समुदाय की लड़कियों को किस तरह चंद सिक्कों के लिए देह व्यापार के दलदल में ढकेला जाता है और किस तरह ये मानव तस्कर पुलिस के ढुलमुल रवैये और कानूनी दावपेच का फायदा उठाकर बच निकलते हैं, ये सब इस किताब में दिखाया गया है। बच्चियों को किस तरीके से लाकर और अपने समाज में बेचा जाता है, धकेला जाता है, ये दर्द इसमें है जो कि उन्होंने खुद जमीन पर रहकर महसूस किया है। इस किताब में सिर्फ समस्याएं ही नहीं उससे निपटने के रास्ते भी सुझाए गए हैं। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी न्यूज़, दिल्ली।